क्या आप जानते हैं ज्यादा खुशबू वाले साबुन एक्जिमा को बढ़ावा दे सकते हैं। एक्जिमा में स्किन को मॉइस्चराइज करना है बेहद जरूरी। जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं डॉक्टर मीनू बरारा मेहता, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। पिछले 12 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं और कई सारे पेशेंट्स की जिंदगियों को इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। और डायरेक्टर है स्किनालिया सेंटर फॉर स्किन एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, जो की दिल्ली में है, रोहिणी में है। डॉक्टर मीनू आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग नेहा, थैंक यू फॉर अ वार्म वेलकम। वी आर ग्लैड टू हैव यू एज अ गेस्ट। एंड डॉक्टर मीनू, आज के शो में हम बात करने वाले हैं एक्जिमा के बारे में। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा कि ऑन एन एवरेज मतलब 10 में से 5 लोगों को माइल्ड मॉडरेट या सीवियर एक्जिमा रहता ही रहता है। सो आज आप हमें ये बताइए, हमारे जितने दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें ये बताइए कि एक्जिमा क्या होता है। तो एक्जिमा, एज जैसे आपने बोला कि 10 में से 5 लोगों को किसी न किसी फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है। एक क्रॉनिक स्किन का इन्फ्लेमेशन है, जिसमें आपकी स्किन में ड्राइनेस हो सकती है, स्किन सेंसिटिव हो सकती है, रेडनेस, इचिंग, ऊजिंग, क्रस्टिंग हो सकती है बॉडी के किसी भी पार्ट्स पे, जनरली फेस या बॉडी फोल्ड्स लाइक एल्बो फ्लेक्चर्स पे या गर्दन पे, हाथों में, पैरों में। इसे लेमन टर्म में आप एलर्जी भी कह सकते हो। ओके, मतलब एलर्जी का बड़ा रूप है ये। यस, यू कैन से दैट एक्जिमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। आल्सो मैम, बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है या हमें पता नहीं, और आजकल डॉक्टर को दिखाने से पहले हर कोई पहले गूगल कर लेता है। सो एक्जिमा और डर्मेटाइटिस, ये दोनों टर्म्स मैंने साथ साथ पढ़े, क्या ये सेम है, क्या ये डिफरेंट है, कैसे? देखो, डर्मेटाइटिस एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जिसका मतलब है स्किन इन्फ्लेमेशन। So it is a broader category and eczema has skin inflammation, but dermatitis includes a lot of skin conditions, not only eczema. So it will be a broader category. Yes, sometimes they are used interchangeably, but eczema is a clinical entity जिसमें inflammation होता है, but any skin inflammation will be dermatitis. So dermatitis एक बड़ा category है जिसके अंदर एक type है eczema. ओके, सो यानी कि डर्मेटाइटिस की एक समझ लीजिए सब ब्रांच हो गई एक्जिमा, जो कि एक एलर्जी हम जिसे कहते हैं। अच्छा मैम, कोई भी बीमारी जब होती है तो उसका एक जड़ होता है, एक रूट कॉज होता है। सो ऑन एन एवरेज जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो एक्जिमा के कॉजेस क्या होते हैं और सबसे कॉमन कॉज क्या पाया जाता है? देखो, एक्जिमा इज जनरली एन इंटरप्ले ऑफ आवर जीन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जनरली ऑलमोस्ट ऑलवेज एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है। जैसे पेरेंट्स में अगर हम हिस्ट्री लें तो कई बार हमें साइनस की हिस्ट्री मिल जाएगी, फ्रीक्वेंट स्नीजिंग की, एस्थमा की, या ऑलरेडी स्किन एलर्जीज की हिस्ट्री या ड्राई स्किन की हिस्ट्री मिल जाएगी। तो होता क्या है, वाइल द फीटस इज बीइंग फॉर्मिंग, जब बच्चा बन रहा है मदर के वूम में, तो जो स्किन का बैरियर है वो ठीक से नहीं बना। एक प्रोटीन जो कि स्किन में पानी रोकता है, जिसको बोलते हैं फिलाग्रिन, वो ठीक से नहीं बना। तो वो बैरियर ठीक नहीं है, तो स्किन से पानी जल्दी से इवेपोरेट होता है। नाउ स्किन इज अ बैरियर व्हिच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द एनवायरमेंटल थिंग्स। सो इफ दैट बैरियर इज डिफेक्टिव, तो एनवायरमेंट में जो भी चीजें हैं वो जल्दी से स्किन के अंदर जाकर हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती हैं। तो जेनेटिक्स हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देयर आर लॉट ऑफ एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, जैसे कि स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, डिटर्जेंट, सैनिटाइजर्स। अभी जो कोविड एरा में लास्ट 2 ईयर्स में बहुत ज्यादा हैंड डर्मेटाइटिस, निबुलर एक्जिमा जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत कॉमन हुआ, क्योंकि लोग इतना ज्यादा हैंड सैनिटाइजर्स यूज कर रहे थे, इतने ज्यादा हार्श एंटीसेप्टिक सोप्स यूज कर रहे थे। सो द मोर केमिकल यू पुट टू योर बॉडी एंड पीपल हु आर ऑलरेडी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज, उनमें ज्यादा हो जाएगा। अगर आप सिंथेटिक क्लोदिंग यूज कर रहे हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग केमिकल, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स यूज कर रहे हो, बबल बाथ्स यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा हॉट शावर्स ले रहे हो, बहुत एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर, बहुत ज्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर या बहुत ज्यादा गर्म एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, तो दीज कैन ऑल कॉज अ ट्रिगर। स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर, स्मोकिंग इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिगर। सो दीज आर ऑल रीजंस फॉर फ्लेयर अप।
एक जेनेटिक टेंडेंसी है, उसके ऊपर ये रीजंस फ्लेयर अप कराते हैं प्रॉब्लम को। तो डॉक्टर मीनू, मतलब स्ट्रेस या चिंता लेने से भी हमारी स्किन पर इतना फर्क पड़ जाता है? बहुत ज्यादा। स्ट्रेस इज, सबसे पहले आपका स्ट्रेस आपकी स्किन और आपके बालों पे दिखेगा। दिस इज व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स, यू विल हैव एक्ने ब्रेकआउट्स, यू विल हैव एक्जिमा फ्लेयर अप्स, अ लॉट ऑफ स्किन डिजीजेस फ्लेयर अप बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड हेयर फॉल डेफिनेटली। ओके, सो जो तनाव है वो कहीं ना कहीं आपके बालों और त्वचा पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है और एक्जिमा को तो डेफिनेटली ट्रिगर कर सकता है। अच्छा डॉक्टर मीनू, आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं, अब बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो शायद फर्स्ट स्टेज में आते हैं या जब बीमारी एक गंभीर रूप ले लेती है तब आते हैं, हमारे जितने दर्शक आपको देख रहे हैं, उन्हें कुछ रेड फ्लैग्स या कुछ अलार्मिंग साइंस अगर बताना चाहें कि वो कौन से ऐसे लक्षण हैं जो देखने पर तुरंत एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना ही दिखाना है। अगर आपकी स्किन पे कोई भी इची या ऊजी पैचेस बन रहे हैं, अगर कोई ब्लिस्टर्स या पानी वाले रैशेस आ रहे हैं, अगर आपकी स्किन जनरलाइज्ड वे में सेंसिटिव या रेड हो रही है, तो दीज आर द साइंस दैट यू शुड नॉट इग्नोर। ओके, और उसके अलावा और क्या क्या लक्षण दिखते हैं, मतलब क्या ये गंभीर रूप ले लेते हैं और बॉडी के किस किस हिस्से पे हो जाते हैं? अगर देखो एक्जिमा के देयर आर डिफरेंट सब टाइप्स, सो सम सब टाइप्स विल बी लोकलाइज्ड लाइक ल्यूमुलर एक्जिमा, वो सिर्फ छोटे छोटे एक्जिमा के पैचेस के फॉर्म में रहेगा, बट हाँ इफ नॉट कंट्रोल्ड एट दैट स्टेज वो जनरलाइज्ड फॉर्म ले सकता है। ठीक है, देन देयर इज एन कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड एटोपिक डर्मेटाइटिस, वो भी एक्जिमा का ही टाइप है, स्पेशली बच्चों में होता है, वेयर इन दे हैव रेड पैचेस ऑन देयर चीक्स, रेड पैचेस ऑन देयर नेक, एल्बो फोल्ड्स ऑन देयर नेक, ऑन देयर नी फोल्ड्स। तो जनरली पेरेंट्स उस स्टेज को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि जनरली स्किन ड्राई है बच्चे की, दिस इज व्हाट दे फील, बट वंस दे थिंक कि हाँ अब हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, तब तक वो ऑलरेडी रैशेस की फॉर्म ले चुका होता है, पूरी बॉडी पे वाइड स्प्रेड हो चुका होता है। सो इन केस यू फील दैट द स्किन इज नॉट नॉर्मली ड्राई, अब नॉर्मली ड्राई स्किन हो रही है और कुछ भी रैशेज, रेड रैशेज आ रहे हैं, स्पेशली छोटे बच्चे की स्किन में 2 years, 3 years ऑफ एज, you must consult a dermatologist because it can be stopped at that stage only before it spreads to a widespread skin. Right. Okay. And Dr. Meenu, हमने बीमारी के बारे में आपसे बात की और जैसे Dr. Meenu ने बोला, ये लक्षण दिखने पर ऐसा नहीं कि आप घरेलू नुस्खे try करें या Google internet करने लगे, आप straight away एक skin specialist को जरूर दिखाएं। And Dr. Meenu, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ, हम बड़ी सारी चीजें भी जान रहे हैं। हम जानना चाहते हैं एक्जिमा को कैसे मैनेज करें, एक्जिमा मैनेजमेंट स्पेशली, मेरी मम्मी को एक्जिमा है, सो मैं तो डेफिनेटली आपसे जानना चाहूंगी कि एक्जिमा को कैसे मैनेज करें। देखिए मैनेजमेंट में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वन स्किन केयर जो कि पेशेंट को खुद करनी है या अगर पेशेंट बच्चा है तो उसके पेरेंट्स को करनी है, एंड देन मेडिकल मैनेजमेंट जो कि हमें करनी है। मैं ज्यादा एम्फेसिस ले करती हूँ जो पेशेंट को खुद का स्किन केयर करना है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे सबसे पहले आप हॉट शावर्स नहीं लें, इवन इफ इट इज विंटर्स तो बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं यूज करें, देन स्किन को जेंटली पैट ड्राई करना है, बहुत रफ नहीं करना हार्शली टॉवल से, जस्ट जेंटली पैट ड्राई, एंड दैट इज द टाइम व्हेन योर स्किन इज द मोस्ट सॉफ्ट, उस टाइम पे हमें मेडिकेशन लगानी है, उसी टाइम पे हमें बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर लगाने, सो दे पेनिट्रेट इन टू द स्किन बेटर, तो स्किन को जेंटली पैट ड्राई करके अच्छे मॉइस्चराइजर जिनमें लाइट लिक्विड पैराफिन, सेरामाइड्स, शिया बटर्स, ओटमील एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, स्पेशली एक्जिमा पेशेंट्स में सेरामाइड कंटेनिंग एंड ओटमील कंटेनिंग मॉइस्चराइजर्स आर वेरी कॉमन, नाउ दे आर अवेलेबल फ्रीली, ऑनलाइन भी आप सर्च करो तो ओटीसी ब्रांड्स में भी है, सो यू मस्ट लुक इनटू दीज फैक्टर्स व्हेन यू आर बाइंग अ गुड मॉइस्चराइजर। देन मॉइस्चराइजेशन शुड बी डन 2 to 3 times अ डे, कॉटन क्लोथिंग पहननी है, सिंथेटिक एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना है। ऑल्सो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो मदर्स उनको अंदर स्वेटर्स पहना देती हैं विंटर्स में, सो वूल कैन ऑल्सो कॉज इंटॉलरेंस इन दीज पीपल, तो वो वूल भी डायरेक्टली पहनाना अवॉइड करना है। अच्छा, देन एनीथिंग दैट कैन ट्रैप डस्ट लाइक थिक कार्पेट्स, थिक कर्टन्स, थिक बेडशीट्स, दे शुड बी अवॉइडेड। देन उनके घर में भी वेट मॉपिंग होनी चाहिए, डस्टिंग में झाड़ना नहीं है, वेट मॉपिंग और वैक्यूम क्लीनिंग, सो दैट दे डोंट इनहेल द डस्ट टू मच, because in case they have skin allergies they are also prone to respiratory allergies, aaj skin allergy hai but kal ko frequent sneezing, sinuses, asthma ye develop ho sakta hai, to uske liye precautions pehle se lene hain।
इफ यू डोंट हैव पेट्स, आई जनरली से अगर आपको एक्जिमा है तो पेट्स मत रखो घर में, बिकॉज दैट कैन फ्लेयर अप एक्जिमा. अच्छा, सो लाइक एनिमल फर कैन आल्सो ट्रिगर एक्जिमा? यस यस, अ लॉट ऑफ टाइम्स, अ लॉट ऑफ पेशेंट्स कम टू अस कि अभी 6 मंथ्स ही हुए हैं डॉग रखे हुए और ये रैशेस हो रहे हैं, बट देन वंस यू कीप द पेट यू हैव दैट बॉन्डिंग, तो उससे अच्छा है अगर एक्जिमा प्रोन स्किन है तो पहले ही अवॉइड करो. एंड देन इन केस इट इज समर्स, बहुत 16, 17, 18 पे एयर कंडीशनर्स नहीं चलाने हैं, बिकॉज इट टेंड्स टू टेक आउट मॉइस्चर फ्रॉम योर स्किन. इफ इट इज विंटर्स, डोंट यूज टू मच ऑफ हीटर्स. सो द एम्बिएंट रूम टेम्परेचर शुड बी अराउंड 25, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. सो दीज आर द जनरल थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. सो स्पेसिफिकली इन माई कंसल्टेशन आई ले मोर स्ट्रेस ऑन दीज थिंग्स. नाउ वंस यू आर सॉर्टेड आउट एट योर लेवल एट योर हाउस, देन कम्स आवर ट्रीटमेंट. Okay, so I always generally suggest some good moisturizers. Okay. So depending on what stage the patient has come in, if it is a mild disease, we generally give moderate potency topical steroid creams for the early initial control. Oh, that is. So नहीं करती हैं डॉक्टर मीनू? Because आपने steroid. तो हम 10 से 15 दिन तक देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. लोग जनरली क्या गलती करते हैं, like Betnovate और बहुत सारी creams chemist से लेके लगाते रहेंगे over the years. Exactly. तो वो skin को damage करती हैं. So if you are following your dermatologist, a qualified person, uska instruction follow kar rahe hain to problem nahi hoga, because we give it for 10 days, 15 days and then we shift to non-steroidal anti-inflammatory creams like tacrolimus, pimecrolimus. They can be safely used over long term. Agar bahut zyada widespread problem hai to hame kai baar khane ki koi medications bhi deni padti hain. Normal anti-allergics to suppress the itching depending on patient's age, ki bachcha hai ya bada hai, wo deni hoti hain. So medications are mainly these, but more focus is always on general management, more of moisturization, avoiding detergents, avoiding bubble baths in kids, avoiding shower gels because they are fragrance and colorful. Yeah. So generally a soap which has a skin friendly pH of 5.5. Oh, so that's the best thing. Like if you ask me some medicated names, they can be Cetaphil, Sebamed. If people want to use normal OTC things, I generally say you can use Dove if you don't want to go for medicated soaps. But avoid using antiseptic soaps on your body. Okay, so very very important. और वो AC वाली बात तो actually में, because अधिकतर गर्मियों में हम सब जितना कम temperature रखें उतना prefer करते हैं. But ये छोटी-छोटी चीजें जो हैं बिल्कुल एक बीमारी को मैनेज करने का भी सही तरीका होता है, सो उसमें आती है. एंड ऑन दैट नोट डॉक्टर मीनू, हम आपको जी मानी की टीम की तरफ से थैंक यू कहना चाहते हैं. आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और आप हमारे शो में हमारे साथ जुड़ी. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी शेयर माई नॉलेज विद सो मेनी पेशेंट्स. तो ये थी डॉक्टर मीनू जिन्होंने आज हमें बताया अबाउट एक्जिमा मैनेजमेंट. ये छोटी छोटी चीजें हैं. अगर आप भी परफ्यूम्स के बहुत शौकीन हैं और बॉडी वॉशेस खुशबूदार चीजें पसंद हैं, वो शायद एक्जिमा ट्रिगर कर सकता है. वेल ऑन दैट नोट मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत. मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में, नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट. टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा.